काफी दिनों से चल रहे तमाम अटकलों को खारिज करते हुए आज राजद सुप्रीमो के दोनों बेटे गले मिल ही गए। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की आज मुलाकात हुई। खुद तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई से मिलने तेजस्वी के आवास पांच देश रत्न मार्ग पहुंचे। शनिवार को तेज प्रताप ने सारे गिले शिकवे मिटाकर अपने भाई से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात तो बंद कमरे में हुई, लेकिन मुलाकात की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा कर दी। तेज प्रताप ने ट्वीट में लिखा कि आज अपने अर्जुन से मिलकर आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार किया और एवं बिहार के कुरुक्षेत्र में विजय होने का आशीर्वाद दिया। तैयारी पूरी है, जीत जरूरी है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर ये साफ कर दिया कि दोनों भाइयों में मनमुटाव की खबरें आधारहीन है। बता दें कि बीते दिनों 1 जनवरी को भी तेज प्रताप यादव तेजस्वी आवास पर गए थे, लेकिन उस दौरान तेजस्वी मौजूद नहीं थे, वे दिल्ली में थे। तेज प्रताप ने वहां अपनी मां और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। तेज प्रताप ने कहा कि मेरी माँ मेरे हर फैसले में मेरे साथ है। वहीं राबड़ी देवी ने भी कहा कि माँ तो सब बाल बच्चे के साथ रहती है, सबको मेरा आशीर्वाद है। इस दौरान तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वे तेजस्वी को आज ही अपना सीएम घोषित करते हैं। अरे यार, कैमरे लंबे समय से मुलाकात नहीं हो पाया था, तो आशीर्वाद भी दिया, उसको आशीर्वाद भी दिया और पॉलिटिकल हमारा चर्चा हुआ। और पॉलिटिकल क्या क्या केवल हमारा पॉलिटिकल की कब से कब कार्यक्रम लगेगा, क्या होगा क्या होगा, कैमरा इतना अंदर क्यों घुसा दिया? अजीब स्थिति है। यादव जी का भी निर्देश होगा, हम दोनों भाइयों को पालन करने का काम करना। अच्छा, केवल पॉलिटिकल कैसे घुसा? चर्चा पॉलिटिकल चर्चा सिर्फ हुई, पॉलिटिकल चर्चा पार्टी को कैसे स्ट्रांग करना है, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ने का काम करना है। इस पर खाली दोनों भाइयों में काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी। जब आप लोग दोनों आदमी मिले, मुलाकात कृष्ण और अर्जुन का मुलाकात है। अरे माइक नीचे चलो सर। इस मुलाकात से जितने भी बिहार में दुश्मन है या देश भर में दुश्मन है, वो धराशायी हो जाए। 9 तारीख को जो दिल्ली में धरना होने वाला है, उसमें 9 तारीख को उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। 9 तारीख को धरना था, माइक पिताजी का वो आने वाला है, तो उसको लेकर के 9 तारीख अच्छा पाटलिपुत्र सीट को लेकर के बातचीत अभी माइक नीचे नीचे भाई क्या करेंगे माइक देखिए नीचे कल जनता दरबार रहेगा, उसमें सब मीडिया के भाई लोग। लेकिन आज तेज प्रताप और तेजस्वी की मुलाकात के बाद मनमुटाव की सारी खबरें बेबुनियाद हो गई हैं। हालांकि आज तेज प्रताप यादव मसौढ़ी में एक सभा को संबोधित करने के दौरान गर्म भी हो गए थे। इस दौरान अपने पिता लालू प्रसाद का नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला उठे। दरअसल वे अपने समर्थकों पर ही बरस पड़े थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव ने समर्थकों को जमकर फटकार लगाई। बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? लालू यादव जेल में है और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। तेज प्रताप की डांट फटकार का कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद गुस्से में तेज प्रताप मन छोड़कर भाग निकले। बताया जा रहा है कि इस दौरान तेज प्रताप ने लोगों के मोबाइल छीन लिए, जिससे हंगामे की कोई फोटो नहीं आ पाई। इन सब हंगामे के बाद तेज प्रताप जब पटना लौटे तो फिर अपने भाई तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए। वहां दोनों की मुलाकात हुई। तेजस्वी ने पैर छूकर बड़े भाई का आशीर्वाद लिया और बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने कृष्ण की तरह ही अपने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।